हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के 30 दिन पहले रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया शुक्रवार 6 सितंबर को कांग्रेस में शामिल हो गए। विनेश जुलाना सीट से चुनाव लड़ेंगी, यहां उनका ससुराल भी है। कांग्रेस में शामिल होते समय विनेश ने कहा कि बुरे टाइम पर पता लगता है कि साथ में कौन है। जब आंदोलन के दौरान हमें सड़क पर घसीटा जा रहा था, तब बीजेपी को छोड़कर देश की हर पार्टी हमारे साथ थी। मैं गर्व महसूस कर रही हूं कि मैं ऐसी पार्टी में हूं जहां महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय और बुरे बर्तावों के खिलाफ वो टीम खड़ी है। जुलाना सीट पर राजनीति का दंगल विनेश फोगाट के लिए कितना मुश्किल है और कितना आसान होगा, आइए जानते हैं। विनेश और बजरंग ने 4 सितंबर को दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की थी। राहुल से मिलने के बाद वे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मिले थे। तब भी चर्चा शुरू हो गई थी कि दोनों कांग्रेस में शामिल होंगे। विनेश फोगाट का मुकाबला मौजूदा जननायक जनता पार्टी के विधायक अमरजीत ढांडा से होगा। सीट पर असल लड़ाई 3 पार्टियों के बीच देखने को मिलेगी, जिसमें जेजेपी, बीजेपी और कांग्रेस शामिल है। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम वजन अधिक होने के चलते फाइनल मुकाबले से बाहर हो गई थी। वे गोल्ड मेडल से चूक गई थी। इस बार कांग्रेस को उम्मीद है कि विनेश फोगाट के सहारे सहानुभूति वोट कांग्रेस को मिलेगी और ये सीट जीत लेंगी। जुलाना विधानसभा सीट अब एक हॉट सीट बन गई है। जाटलैंड की इस सीट पर हमेशा क्षेत्रीय पार्टियों जैसे इनेलो और जेजेपी का प्रभाव रहा है, लेकिन विनेश और बजरंग के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को जाट वोट बैंक को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मीडिया खबरों के मुताबिक विनेश फोगाट को 3 सीटों का ऑफर दिया गया था। इनमें से पहली सीटें चरखी दादरी और बढ़डा थी, जबकि तीसरा ऑप्शन जिंद की जुलाना सीट का दिया गया था। यहाँ उनका ससुराल भी है। आप अगर मानते हैं कि विनेश चुनाव जीतेंगी तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपको लगता है कि वे हार जाएंगी तो कमेंट करके बताएं।